हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। और आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर, राजस्थान की ट्रिप। और ये हमारी होने वाली है 2 से 3 दिन की ट्रिप, हो सकता है 4 दिन भी हो जाए, तो डिपेंड करता है। और मौसम बहुत ही बढ़िया है, ये जस्ट विंटर से पहले की वीडियो है एंड बहुत ही अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग सीज़न है। सो मैं निकला हूँ गुड़गांव से और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 कज़न्स और हैं, लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं है। मैं जा रहा हूँ पहले अलवर उनको पिक करने के लिए, पर उसके बाद सीधा हमारा प्लान है आज रणथंभौर निकलने का। लेकिन एक प्रॉब्लम आज हो गई कि मुझे कुछ काम आ गया अर्जेंट, तो उसकी वजह से मैं अभी दोपहर 12 बजे के राउंड निकल रहा हूँ। लेकिन प्लान था सुबह मॉर्निंग में निकलने का 6-7 o'clock के आसपास। सो आज हमें पहुँचना है रणथंभौर, जो कि मेरे यहाँ से लोकेशन से गुड़गांव से लगभग पड़ता है 320 किलोमीटर के आसपास। और ये देखिए, मैं चढ़ गया हूँ दिल्ली जयपुर हाईवे पर, और ऊपर से जो ये ब्रिजेस जा रहे हैं ये है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। एक्चुअली दिल्ली के अराउंड एक रोड बना है, सर्कुलर रोड, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दूसरा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता कि ऐसा कोई रोड दिल्ली के अराउंड एक्सप्रेसवे कोई एग्जिस्ट करता है। तो बहुत ही कन्वीनियंट रोड है, हर जगह पूरा रोड जो है वो 6 लेन रोड है हर जगह, एंड बहुत ही कम ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। और दिल्ली के ट्रैफिक से आप बच सकते हो अगर आप नेबरिंग टू नेबरिंग सिटीज़ जा रहे हो कहीं पे दिल्ली के आसपास, लाइक गुड़गांव टू फरीदाबाद, फरीदाबाद टू नोएडा, कहीं भी जा रहे हो। हाँ, बेशक थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा पड़ेगी आपको अगर आप कहीं जा रहे हो, सपोज़ गुड़गांव से आप कहीं पर जा रहे हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल सोनीपत वगैरह, तो लेंथ आपको वाई दिल्ली कम पड़ेगी, लेकिन होगा ये कि वहाँ आप ट्रैफिक जाम में फंसोगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। खैर, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कभी। फ़िलहाल हम जा रहे हैं अलवर की तरफ और हमारा प्लान ये है कि हम लोग फर्स्ट डे पहुँचेंगे रणथंभौर। लेकिन बाद में हमने ये सोचा कि फर्स्ट डे हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए फर्स्ट डे, एंड हम लोग लेट पहुँच पाएंगे रणथंभौर, तो हमें कुछ तो विज़िट करना चाहिए। तो रास्ते में हमारा प्लान बदल गया, मैंने जब अपने भाइयों को पिक किया, कज़न्स को पिक किया, तो उसके बाद हमारा प्लान बदला और हमने क्या किया, हमने एक दो जगह ढूंढी कि क्या रास ऑन द वे हमें नियर बाय पड़ेगा जो कि हम देखते हुए जा सकते हैं। तो मेरी लोकेशन से जो रणथंभौर है वो है 320 किलोमीटर के आसपास, लेकिन मैं पिक करता हुआ गया अपने कज़न्स को और हम लोग 2 और जगह पर विज़िट करते गए, तो हमें 400 किलोमीटर के आसपास पड़ा। तो दोपहर 12 बजे मैं निकला और हम लोग रणथंभौर पहुँचे अराउंड रात को 11 बजे 11:30 बजे के आसपास। और रास्ते में बहुत अच्छे व्यूज़ में दिखे, तो कुछ व्यूज़ आप देख पाएंगे मेरी वीडियोस में, देखिए साथ में मेला लगा हुआ है बहुत बढ़िया। एंड अभी मैं अलवर पहुँचने वाला हूँ, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि राजस्थान की जितनी भी मैंने ट्रिप की है उसमें रोड आप देखेंगे बहुत बढ़िया, राजस्थान के रोड्स हैं बहुत ज़्यादा ऑसम रोड्स मिले मुझे राजस्थान के। और यहाँ पर मैं राजस्थान एंटर कर गया हूँ, आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं और ट्रैफिक भी बहुत कम है। और सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से श्रेय जाता है वो जाता है कि मतलब राजस्थान में एरिया बहुत ज़्यादा है राजस्थान का, लेकिन जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ पीपल बहुत कम है और बहुत सारा एरिया है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये एक मेन कारण हो सकता है कि रोड्स के ऊपर इतना ट्रैफिक नहीं रहता, ट्रैफिक नहीं रहता तो लंबे टाइम तक रोड की कंडीशन बढ़िया बनी रहती है। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे रोड्स हैं। एंड इस ट्रिप के लिए मैं लेकर गया था इग्निस को, जो कि मैंने जून में बाइक की थी, जून 2020 में, और अभी मेरे पास ये टाइम है अक्टूबर का, एंड लगभग 3-4 मंथ्स ही हुए हैं गाड़ी को लिए हुए, तो बहुत ज़्यादा चला ही नहीं है। तो इस ट्रिप पर इसकी अच्छी खासी टेस्टिंग होने वाली है, तो हमारा ट्रिप रहेगा लगभग 3-4 डेज का। हम लोग जब अलवर से निकले तो हमने सोचा कि कहाँ चला जाए, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व एक पास में पड़ता था, लेकिन मेरे कज़न्स वहाँ जाते रहते हैं तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। सो हमने सोचा कि कहीं और देखते हैं, भानगढ़ वगैरह भी वो जाते रहते हैं, वो भी पास में पड़ता है, तो वहाँ पर भी नहीं गए। फिर हमने एक दो लोकेशंस और ढूंढी, तो बांदीकुई में एक चर्च है बहुत अच्छा, बहुत ओल्ड चर्च है वो, तो हमने सोचा वहाँ विज़िट करते हैं। और चांद बावड़ी एक है जो कि पहले के टाइम में एक बावड़ी हुआ करती थी, तो वहाँ पे हमने सोचा कि 2 जगह विज़िट करते हम निकलते हैं, तो हमें लेंथ भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी और हमारा आज का दिन थोड़ा बहुत कुछ यूटिलाइज हो जाएगा कि हमने चलो कुछ एक दो चीज़ें तो देख ली।
मैं आप सभी को नज़ारे तो दिखाऊंगा ही, जगह भी विज़िट कराऊंगा, और भी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे हम इग्निस लेके जा रहे हैं तो इग्निस की ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है, इग्निस ने क्या माइलेज दिया, कितना हमने गाड़ी चलाई, कैसे कैसे रास्तों पर चलाई। और आप देख सकते हैं व्यूज़ देखिए आप अरावली के, कितने बढ़िया सुंदर व्यूज़ हैं, सामने पहाड़ और हमारे खेत वगैरह साथ में दिख रहे हैं, और साथ ही में रोड जा रहा है इतना बढ़िया, और कुछ इस तरह की वैलीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिली पूरे रास्ते में। सो बहुत सारी जगह हमने विज़िट की एंड मल्टीपल हम लोग वीडियोज़ इसके ऊपर बनाएंगे। सो गाइस स्टे अपडेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कीप अपडेटेड एंड प्लीज़ कमेंट आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड अगर कुछ और भी आप एक्स्ट्रा जानकारी किसी प्लेस के बारे में देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट्स में। एंड अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए कुछ बताने में, कुछ एक्सप्लेन करने में, तो वो चीज़ भी आप करेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर दैट। और आप गाइस नज़ारे देखिए कितने बढ़िया, साथ में अरावली की रेंज चल रही है हमारे साथ साथ, और साथ में इतनी बढ़िया हरियाली है। दिल्ली NCR से बाहर आकर लग रहा है कि मतलब कितना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो। वैसा यहाँ का एनवायरनमेंट भी वैसा नहीं बचा जैसे होगा 10-20 साल पहले, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ ऑसम एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली NCR। कितने अच्छे फील्ड्स हैं, कितने अच्छे अरावली की रेंजेस, एक साइड ही नहीं आप देख सकेंगे कि तो दोनों साइड अरावली की रेंजेस चलती है। सेम चीज़ मेरे गांव में भी है, मेरा विलेज जो है गुड़गांव में, वहां भी दोनों साइड अरावली की रेंजेस है, और मेरा गांव अरावली की दोनों साइड की रेंजेस के बिल्कुल बीचों बीच है। लेकिन गुड़गांव में डेवलपमेंट इतनी होती जा रही है कि चारों तरफ इतनी सारी कंपनीज़ वगैरह, इतने सारे लोग, इतनी भीड़ भाड़, इतना ट्रैफिक एंड रोड्स वगैरह, इतना कुछ है वहाँ पे, तो एनवायरनमेंट बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका है। और साथ में जंगल वगैरह भी थे मेरे गांव के पीछे वाली साइड, तो वहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स थे जिनको जगह नहीं मिल पाती है। कई बार होता है लेपर्ड्स वगैरह मारुति के अंदर चले जाते हैं, मारुति का जो मानेसर प्लांट है उसके अंदर लेपर्ड्स वगैरह चले जाते हैं, वो इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उन बेचारों के लिए जगह बहुत कम बची है। सो हमें नेचर को मद्देनज़र ज़रूर रखना पड़ेगा अगर इस पृथ्वी पर ज़्यादा टाइम तक हमें लाइफ को एग्जिस्ट कराना है तो, नहीं तो नेचर विल गेट बैक टू अस। खैर फिलहाल आप नज़ारे एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली वीडियोस हम लेके आएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे बांदीकुई चर्च, और बांदीकुई चर्च के बारे में आपको दिखाएंगे, आपको जानकारी देंगे, और हम देखेंगे कि बांदीकुई चर्च कैसा है कैसा नहीं है। सो फिलहाल आप नज़ारे एंजॉय कीजिए गाइस एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।